गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं संदीप वर्मा, बोईसर बॉय यूट्यूब चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। मैं हूँ फिलहाल मैं अभी एक विलेज एरिया में, जैसे कि आपको दृश्य देख के ही अंदाजा मिल चुका होगा भाई, दृश्य देख के। ठीक है, तो आज का जो दिन है यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम, और इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है, रोड भी तप चुका है पूरी तरह गर्मी बढ़ रहा है। बोईसर में कोरोना पसार रहा है पैर अपनी, लोग लेकिन मस्त है, अपने कामों में व्यस्त है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं देखने वाला किसी को, बस जब किसी पे बीतती है हॉस्पिटल का चक्कर काटो, बस पैसे को पैसे से डालते जाओ। ये गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर लगेगा नहीं, प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसे मांग रहे हैं कि आप भर के भी मर जाओगे और नहीं भरोगे तो भी घर बैठे बैठे मर जाओगे। तो सोचो कि क्या करें, इंसान सुख कहाँ से पाए, कहीं से उसे सुख है ही नहीं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले फटाफट अगर वीडियो देख रहे हो तो, अभी तक वीडियो के साथ बने हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर शेयर करना। आज मैं जाने वाला बोईसर एमआईडीसी, बोईसर एमआईडीसी से एक जगह और जाना है। बोईसर एमआईडीसी में थोड़ा ईटीपी का काम चल रहा है, क्लीनिंग का, तो जेसीबी वर्क, जेसीबी का काम हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, तो जेसीबी का काम दिखाएंगे आपको। और फिर एक नया क्रेन आया हुआ है जो कि पालघर के एरिया में जाने वाला है, वो क्रेन का कुछ व्यू दिखाएंगे जो कि पेटी पैक है क्रेन अभी। ठीक है, तो बने रहो वीडियो से। पीछे देख सकते हो जेसीबी से ईटीपी की सफाई चालू है। अभी मैं हूँ फिलहाल बोईसर एमआईडीसी में, और ये देख सकते हो तो बोईसर एमआईडीसी में जो ईटीपी है, सबसे बड़ा ईटीपी है, जो एक ही ईटीपी है ई प्लॉट साइड में जो शिवाजनगर से सटा हुआ है। अब क्या है, भरने के वजह से इसकी सफाई चालू है, लेकिन चालू है सफाई जेसीबी से, काफ़ी दिनों से काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था करना भी। जैसे देख सकते हो पूरा का पूरा, पूरी तरह जेसीबी से ईटीपी की सफाई पूरी तरह चल रही है। तो अब बहुत बड़ी ईटीपी है, हाँ, एक ईटीपी में ऐसा काम होता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे एमआईडीसी बढ़ रही है उसके हिसाब से और बड़ी जगह की ज़रूरत लग रही है, लेकिन समय के हिसाब से अभी एक कंफर्टेबल है, हो जाएगा, इसमें मैनेज कर लेंगे। तो ईटीपी जेसीबी से ईटीपी की सफाई, कितना प्यारा लुक है, कितना प्यारा चीज देखने में लगता है, देखिए सबसे प्यारा है। ठीक है, इससे प्यारा आपको क्या देखने मिलेगा बताओ मेरे को। ये हमेशा ट्रेंडिंग वाला जो जेसीबी का जो काम है ना, हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। जेसीबी से जो भी चीज़ होता है वो हमेशा बहुत जल्दी फास्ट ट्रेंडिंग में जाता है। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है, तो काफ़ी व्यू खूबसूरत है। तो मेरा चलो भाई व्यूअर को भी दिखाते, पीछे मेडिसी का सीन दिख रहा होगा, इस तरफ बस्ती है शिवाजी नगर, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो ईटीपी है और जेसीबी देख सकते हो, जेसीबी वहाँ पे लगा हुआ है, जेसीबी आपको दिख रहा होगा, चुम कर आपको दिखा देता हूँ, जेसीबी थोड़ा लंबा है। तो ये ईटीपी का दूसरा जो ये टाकी है, और वो टाकी में जो काम चल रहा है जेसीबी का, ईटीपी काफ़ी बड़ा है, देखो लास्ट तक ईटीपी का एरिया है। और ये सामने यूपीएल है, यूपीएल कंपनी है, और वहाँ पे जेसीबी से उसका काम चल रहा है, जेसीबी की खुदाई। एक तरफ से बहुत ही ट्रेंडिंग वाला नेम है, ट्रेंडिंग वाला सजेशन टैग है, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है। तो ये हमारी एमआईडीसी प्यारी स्वच्छ एमआईडीसी बनाने की कोशिश चल रही है सभी की, और देखो जल्द से जल्द आने वाले सालों में स्वच्छ एमआईडीसी बन जाएगी। अब एमआईडीसी है, केमिकल एरिया है, तो समझ सकते हो थोड़ा मोड़ा तो जरूर ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे। देखा जाएगा तो पेटी पैक न्यू अभी क्रेन है, जो कि काफ़ी मजबूत और काफ़ी वजन, मतलब वजनीय क्रेन है ये, जिसे बोला जाता है काफ़ी स्पेशल जगहों पर इसे, इस क्रेन को ले जाया जाता है, और जो कि काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, अभी यह क्रेन जो कि पालघर की ओर जा रहा है, अभी देखते हैं क्रेन कहाँ लगेगा, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी मजबूत क्रेन है ये, क्रेन बहुत कम देखने मिलता है। अब समझो कि पहले एक क्रेन को लाने के लिए पंजाब या अदर एरिया से क्रेन लाया मंगाया जाता था रेंट पे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बोईसर पालघर में अभी क्रेन आ जाने से एमआईडीसी को बहुत फ़ायदे हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से क्रेन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी लॉन्ग क्रेन है। तो बहुत अच्छा लगा व्यू देखकर इस क्रेन का, और कैसा क्रेन कैसा है मुझे कमेंट करके बताओ। अभी न्यू क्रेन है, जैसे देख पा रहे होंगे आप, पूरी तरह न्यू पेटी पैक क्रेन है। अभी असेंबल होगा, असेंबल के बाद इसका ट्रायल होगा, फिर अभी से सीधा सीधा कंपनी से बनकर सीधा ऑनर के पास जा रही है।
चलिए तो यहाँ से निकलते फटाफट। घूमते घूमते हम आ चुके हैं अभी चिल्लार फाटा पे। सोचे नहीं थे, प्लान नहीं था कि यहाँ पे पहुँचूंगा, पहुँच गया चिल्लार फाटा। अब एक बस हवा खा रहा हूँ, सुहानी हवा जो कि आम के पेड़ के नीचे। मेरी तरफ देख सकते होंगे इधर पीछे ब्रिज है जो कि हाईवे मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो, और मैं पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा हूँ। मैं बोला रुकता हूँ जरा, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लेता हूँ कि गाड़ी के अंदर भी बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्म हो रहा है। जो प्लान सोचते हैं, सोचा था कि पालघर में रहूँगा इस समय, पालघर गया जरूर। अब मैंने वीडियो भी अपलोड किया, आप देख सकते होंगे जो एक्सीडेंट का मैंने वीडियो अपलोड किया है। वो गाड़ी क्या हुआ मालूम है क्या? गाड़ी मतलब टर्निंग पे से टर्न ले रहा था, टर्न लेते समय उसका बैलेंस बिगड़ा और टपक के ले लिया। तो गाड़ियों को ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। बस ये है कि थोड़ा खर्चे तो आए उसे, लेकिन वो गाड़ी में मार्बल लादी जो है पूरी तरह फुल खचाखच भरी हुई है, समझे, फुल खचाखच भरी हुई है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले कि एक्सीडेंट वाला वीडियो को शेयर कर दो, और ये जो ब्लॉग वीडियो अभी आएगा इसे भी शेयर करना, शेयर जरूर करना। चलो कंटिन्यू वॉच और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, वीडियो शेयर करो। इधर घूम घाम के हम आ चुके हैं घर पे, और घर पे आने के बाद भी जो कि ऊपर पतरा का गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हीट है। तो जो प्लान करके आते हैं घर पे जाने के बाद रिलैक्स होगा, रिलैक्स तो कुछ मिलता नहीं है। अभी हमारा ग्रीन स्क्रीन जो कि रखा लगा हुआ है, इसका यूज हम बहुत कम कर रहे हैं अभी, ठीक है। एक ग्रीन स्क्रीन का जो प्लान से प्लान किया गया, जैसे मेरा एक मीडिया चैनल भी है, तो उस चैनल को मैं पूरी तरह यूज करने के लिए इस ग्रीन स्क्रीन का उपयोग कर रहा था मैं, लेकिन वो नहीं हो पाया फ़िलहाल में, वे होल्ड पे है, कुछ दिन और लगेंगे उसे। तो फ़िलहाल मैं ब्लॉग चैनल पे, आप प्लीज़ यार वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप वीडियो को बहुत कम शेयर करते हो, या फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर भी शेयर करो, शेयर करोगे तो एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है, और आगे भी कोई अलग अलग वीडियो बनाने का सोचते हैं और प्लान करते हैं। तो आपका सपोर्ट तो अच्छा खासा है, और सपोर्ट मिल भी रहा है, हम चाहते हैं और आगे भी सपोर्ट बना रहे। इस वजह से हम चाहते हैं कि वीडियो को और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो। तो कुछ और इंटरेस्टिंग व्यू दिखाता हूँ, मुझे दो तीन काम करने हैं छोटे छोटे, तो वो काम का बारे में बताता हूँ, लेकिन वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाई देगा। लेकिन स्टार्टिंग आपको मैं दिखाया था फ्रंट कैमरे से, तो गई अभी नन्ना मुन्ना जो है कि अपने मस्ती में लगा पड़ा हुआ है। मुझे जो फ़ैन दिख रहा है, उस फैन जो फ़ैन चालू नहीं है और काफ़ी दिनों से बंद है, उस फ़ैन को देखना है कि एक्चुअली इस फ़ैन में प्रॉब्लम क्या आया। हाँ, तो इसका अपना क्रिकेट चालू हो चुका है, ये खाली टाइम पास करता है खाली, बस इसके अलावा और दूसरा ऐसा कोई काम नहीं है। और बचपना ये लोग का ही है, जैसे जैसे बचपना ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब अपने उम्र की ऊपरी पड़ाव चालू हो जाती है, तो फिर इनका जो मज़ा है वो भी कम होता चला जाता है। इसे देख सकते हो कितना इंटरेस्ट, कितना मज़ा आ रहा है इनको भी। फ़िलहाल मैं बता दूँ ये फ़ैन का मुझे रिपेयरिंग करना, अभी इसको मैं खोलूँगा, खोल कर चेक करूँगा, और ये बनने वाला कि नहीं बनने वाला सारा डिटेल आपको मुझे ब्लॉग चैनल पर मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद जो कि ये साइकिल का बैक साइड में भी एक, ये जो नीचे पड़ा हुआ दिख रहा है ये पहले पीछे लगा हुआ था, ये चक्के दोनों चक्के के बीच में बैक साइड में, उसे तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए, ठीक है। उसके बाद आगे भी एक और पीस था, वो भी निकल गया है, अभी देख सकते हो दोनों बॉल से अभी खेलने में लगा हुआ है। तो ये दो काम मुझे फटाफट निपटाना है, तो मैं निपटा दूँ उसके बाद दूसरा काम करूँगा। देखा कि ये दोनों काम जो कि मुझे पहले फ़ैन खोलना है, फ़ैन खोल के उसकी रिपेयरिंग करना, देखना है क्या फॉल्ट एक्चुअली है उसमें, वो फॉल्ट को मेरे को रिसोल्व करना है। वो फ़ैन जाएगा मेरे शॉप पे, जो मेरा भाई का दुकान है उसके ऊपर वो फ़ैन जाने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको मैं कि अभी फ़िलहाल में तो पूरे बोईसर में कोविड का सिचुएशन चल रहा है बहुत बेकार, क्योंकि बोईसर में कोविड जो है एक पूरी तरह पैर पसार चुका है, और कोविड केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और डेट का भी जो मतलब मरने की जनसंख्या भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी काफ़ी लोग तो छुपा लिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने आप को शो नहीं कर रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ या फिर मैंने कोरोना से मेरे घर में डेथ हुआ है, ये कोई नहीं बता रहा है, सभी लोग अभी छुपाने का काम चालू कर दिया है। तो जो भी है, जैसा भी है, जो भी है, अपने मर्ज़ी से लोग करना चाहते थे करने दो, लेकिन अब अपने फैमिली की सिचुएशन, अपने फैमिली के बारे में जानकारी ज़्यादा आपको रहेगी, तो आप जितना हो सकता है उतना आप सिक्योर रहे, सेफ रहे, और जितना हो सकता है अपने आप को सेफ रहने की कोशिश करें। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत है सेफ्टी को लेकर।
तो अच्छी वीडियो को इंटरेस्टिंग है थी या है, अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, वापस एक नई वीडियो के साथ में, जो कि मैंने बता दिया कि मैं अभी क्या काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस समय, वही स्टार्टिंग होने वाला है। बाकी मॉर्निंग में जो आपको पूरा भविष्य में दिखाई देगा वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। मैं चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। ओके।